गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अरुण यादव वीर मिडिल स्कूल से आज आपके लिए क्लास एट का साइंस लेके आया हूँ। क्लास एट के साइंस में आज हम लोग लेसन टू पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग लेसन फर्स्ट समाप्त कर दिए थे। लेसन टू हम लोग पढ़ेंगे आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव। आज हम सूक्ष्म जीव के बारे में जानेंगे। इसमें टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म जीवों के खोज के बारे में पढ़ेंगे। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, संसार जो है हमारा सूक्ष्म जीवों से भरा है। ऑर्गेनिज्म डिफर टू शेप एंड साइज एंड कलर, जो जीव 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 है छोटे जीव है जो रंग साइज आकार से क्या है सबसे अलग है। वी कैन सी मोस्ट देन विद द नेक्ड आईज, हम इनको अपनी छोटी आंखों से देख सकते हैं। बट देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नो सो टिनी दैट नियरली इनविजिबल, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं पास में रहने पर भी। इन फैक्ट देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन पावर वर्ल्ड व्हिच आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आईज, इस तरह से लाखों जीव ऐसे हैं जिनको अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। यू नीड ए माइक्रोस्कोप टू व्यू देम, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर विजिबल ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जीव जो सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है ऐसे जीव को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इवन द टॉप वाटर व्हिच अपीयर ट्रांसपेरेंट एंड क्लीन कंटेन न्यूमरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव ए ग्रेट इंपैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग्स, सूक्ष्म जीव जो है इंसानों के अंदर भी पाए जाते हैं। सम आर हार्मफुल व्हाइल सम कॉज डेंजरस डिजीज, कुछ तो लाभदायक होते हैं कि कुछ बहुत खतरनाक होते हैं मानव के लिए। दे कैन इंटर योर बॉडी थ्रू एयर वाटर एंड फूड दैट वी कंज्यूम एवरी डे, ये हमारे शरीर के अंदर भोजन के द्वारा पानी के द्वारा कंज्यूम जो हम खाते तो अंदर चले जाते हैं। करेक्टिस्ट फीचर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आइदर वन कॉल्ड ऑर्गेनिज्म आर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेल्स, माइक्रो जो सूक्ष्म जीव है और कई कोशिकाओं से बने होते हैं या सिंगल कोशिकाओं के भी हो सकते हैं, मतलब एकल कोशिकाओं भी हो सकते हैं। दे आर यूजुअली टू स्मॉल टू विजिबल विथ द नेक्स्ट आई, ये इतने छोटे भी होते हैं क्योंकि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। दे थ्रू इन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट, ये जीव हमारे वातावरण में पनपते रहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन सॉयल एयर वाटर हॉट वाटर स्प्रिंग आइस कोल्ड वाटर सैलिन वाटर एंड वाटर विथ हाई ऑर्गेनिज्म कंटेंट, ये हमारी मिट्टी हवा पानी दलदली जगहों पर भी पाए जाते हैं। दे कैन एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड थ्रॉट, ये टेम्परेचर और पे डिपेंड करता है कि कहाँ कितने मात्रा में जीवाणु हो सकते हैं। इन हॉट वाटर स्प्रिंग एलवेज डेजर्ट एंड मर्सी लैंड, ज्यादातर पानी और दलदली या भूमियों में पाए जाते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनक्लोज देमसेल्फ इन हार्ड रेजिस्टेंस कवरिंग कॉल्ड द क्रिस्ट व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशन बिकम्स फॉरेवर, एक सूक्ष्म जीव हमारे नजदीक इतने छोटे होते हमारे करीब आ जाते हैं इनको क्रिस्ट बोलते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म में भी एक्टोट्रॉफ्स हेटरोट्रॉफ्स सेप्टोट्रॉफ्स और पैरासिटिक्स, सूक्ष्म जीव जो ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं हेटरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं या पैरासिटिक भी हो सकते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल भूमिका निभाते हैं। सम ऑफ देम आर एक्सट्रीमली हार्मफुल एंड कॉज ग्रेट डिजीज लाइक टबरक्लोसिस कोलरा मलेरिया एंड जॉन्डिस, सम हाईली बेनिफिशियल एंड आर यू टू कोर द डिजीज, कुछ जीवाणु जो होते हैं बहुत हमारे शरीर के बहुत नुकसानदायक होते हैं जो अलग अलग बीमारियां फैलाते हैं जैसे कलरा हुआ मलेरिया हुआ जॉन्डिस हुआ, इन सब सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों की खोज कैसे हुई। द डिस्कवरी एंड नॉलेज अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लोजली रिलेटेड विद द एडवांस
ऑफ माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म जीवों की खोज माइक्रोदर्शी के खोज होने के बाद से हुआ। इन 1665 रॉबर्ट हुक डिजाइन्ड ए सिंपल माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व ए थिन स्लाइस ऑफ क्रूक अंडर इट। 1665 ईस्वी में एक रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने एक माइक्रोस्कोप की खोज की और सूक्ष्म जीवों को पाया। ही फाउंड स्मॉल कंपार्टमेंट, एक छोटे से कंपार्टमेंट के अंदर हॉनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स ही नेम्ड एज सेल। इस छोटे जीवाणु को उन्होंने सेल कहा, कोशिकाएं कहा। एंटरबेंट लुक हुक डचमैन इज 1657 डिस्कवर्ड वेरी स्मॉल लिविंग क्रिएचर इन रेन वाटर यूजिंग न्यूली कंस्ट्रक्ट माइक्रोस्कोप। 1687 में डचमैन ने वर्षा के पानी में छोटे जीवों को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा खोज किया। लुइस पिस्टर द फादर ऑफ विक्टोरियोलॉजी, इनको जीवाणु के पिता कहा जाता है, डिस्कवर्ड ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एयर एंड कंक्लूड दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंशन ऑफ फूड एंड डिजीज इन द मैन एनिमल्स। इन्होंने हवा में जीवाणु को देखा और पता लगा कि इंसान को और जानवरों को नुकसानदायक पहुंचाते हैं, नुकसान देते हैं। ही गेव द फेमस जर्मन थ्योरी ऑफ डिजीज, जो बीमारियों के लिए एक थ्योरी को बताया। रॉबर्ट कोच डिजाइन सेवरल टेक्निक ऑफ हैंडलिंग बैक्टीरिया, रॉबर्ट कोच ने टेक्निक लगाया बैक्टीरिया को ट्रैप करने के लिए, देखने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज हेल्प इन द डिटेल्स स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशन विद ह्यूमन बीइंग्स। उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का विकास किया और ह्यूमन के बारे में बताया। अब हम लोग अगला टॉपिक अगले क्लास में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तब तक के लिए थैंक यू।